देखिए दोस्तों, अभी हम इस मोटर का एम्पेलर उतार रहे हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये कूलर इसमें लगाया गया है और इसको घुमाया जा रहा है। तो आप देखिए, ये कूलर आराम से एम्पेलर को आगे की तरफ खींच रहा है, लेकिन इसके लिए आपको ये पाइप वॉइस इसके पीछे लगा करके टाइट कर देना है, बस कुछ भी नहीं है। और देखिए, अभी घुमाया जा रहा है और ये निकल रहा है, आप देखते जाइए, इसको कहीं भी कुछ पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। और खुद देख लीजिए, यहाँ से ये आगे की ओर जा रहा है। तो अगर आप इसको ठोक के निकालते हैं तो उससे कहीं बेटर है आप इसमें एम्पेलर के जरिए इसको निकालिए। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से निकल रहा है। तो आप देखिए, यहाँ से इसको घुमाया जा रहा है, आप देखते जाइए, और एम्पेलर पूरी सुरक्षित और आसानी से निकल जाता है। इसमें कहीं भी टूटने का, फूटने का और कुछ करने का कोई भी डर नहीं बना हुआ रहता है, कोई भी खतरा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एम्पेलर उतारने का यह सही तरीका है। आप इस प्रकार से एम्पेलर को खोल सकते हैं बिना कहीं टूट फूट किए हुए। आप देखते जाइए, लगभग ये पूरी निकल चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। आप देखिए, इधर इसमें लगा हुआ रहता है और आप जब इसको यहाँ से घुमाते हैं तो ये आराम से निकल जाता है। इसका वीडियो हमने पहले आपको डाले हुए हैं और अभी हम खोलते हुए दिखा रहे हैं कि देखिए, आराम से निकल गया, कहीं भी गुना वगैरह को कुछ भी नहीं किया गया। अब इसका हम आगे का और पीछे का वायरिंग चेंज करेंगे, तो वो भी वायरिंग हम इसी कूलर से इसको निकाल करके दिखाएंगे। अब देखिए, इसका ये वायरिंग भी निकालेंगे, इसी कूलर से सारा कुछ निकालेंगे। इसका हमने सारा जो भी वाटर सील वगैरह होता है सब खोल चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और इसका पंप यहाँ नीचे रखा हुआ है। अब हम इसका ये आगे का वायरिंग निकालेंगे, फिर इसका हम पीछे का वायरिंग निकालेंगे। तो आप देखिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं और एकदम सुरक्षित तरीक़ा से निकालेंगे, कहीं भी आपको चोट चाट देने का ज़रूरत नहीं है, ठोक ठाक करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी इस प्रक्रिया के द्वारा निकालिए, इस कूलर की मदद से निकालिए, एकदम सरल है और कुशल कारीगर के तरह आप लोग भी इसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं, वायरिंग वगैरह खोल सकते हैं, एम्पेलर वगैरह खोल सकते हैं। एम्पेलर खोलने का तरीका हमने अभी आपको दिखलाए हैं। देखिए दोस्तों, अभी धूप तेज है तो इसलिए थोड़ा छाया प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि हम लोग खुली जगह में काम करते हैं। तो दोस्तों, एक कूलर से ही आपको सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस ढंग से आपको निकालना होता है। वायरिंग हो या एम्पेलर, कोई भी चीज़ को आसानी से खोला जा सकता है इस कूलर की मदद से। रुको, घूम रहा है। अब देखिए दोस्तों, आराम से ये वायरिंग भी सरक रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए किस तरह से ये वायरिंग जा रहा है। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपको पूरी प्रोसेस दिखाते हैं और एक एक तरीका से आप लोगों को अवगत कराते हैं कि किस तरह से आपको सुरक्षित खोलना है या किस तरह से आपको देसी जुगाड़ की मदद से भी खोलना है। तो सारा चीज़ हम आपको दिखलाते हैं। तो आप लोग दोस्तों, वीडियो को पूरी देखा कीजिए और समझा कीजिए। देखिए, अब ये निकल चुका है, अब इसको कोई परेशानी नहीं है, आराम से ये निकल गया। तो चलिए, अब मैं पीछे का वायरिंग खोल। तो देखिए दोस्तों, आप अगर पीछे का वायरिंग निकालिएगा तो आगे का वायरिंग निकालने में थोड़ा सा आपको एक सावधानी रखना होगा। ये जो पाइप वॉइस आप देख रहे हैं, उसको दोस्तों यहाँ तक छोड़ देना है। और आपको ये कॉलर जो होता है, यहाँ पे आपको, आप देख रहे हैं कि ये कॉलर जो यहाँ पे है, इस कॉलर में सटा करके आपको इसको कसना है, क्योंकि यहाँ पे वायर सील वगैरह, वाटर सील वगैरह लगता है। तो यहाँ पे अगर खोज हो जाएगा तो वाटर सील सही सुरक्षित नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इस वॉइस को यहाँ पर लगाइए, आप देखिए, अब देखिए इसको आसानी के साथ खोला जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप देखिए, अब ये पीछे का भी वायरिंग आराम से निकल रहा है, 6204। अभी हमने आपको आगे का 6205 दिखाए, और 6204 को भी निकालने का सटीक तरीका यही है। इस कूलर के माध्यम से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ। तो अभी आपको हम इस पूरी प्रोसेस को दिखा चुके हैं, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आराम से निकल गया, कहीं भी कुछ ठोकर उकर नहीं मारना पड़ा। अब मैं इसको खोल, अब दोस्तों यहाँ से इस कूलर का काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बेंच वॉइस का
ये पाइप वॉयस का अभी भी काम बचा हुआ है। तो चलिए अब मैं इस कूलर को साइड में रखूँगा, इसका अब काम ख़त्म। अब दोस्तों इसमें हम नया वायरिंग वगैरह डालेंगे, तो वायरिंग डालने के लिए हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं और बतला चुके हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये किर्लोस्कर का मोटर है, इसमें आगे में दोस्तों 6205 ये 6205 वायरिंग लगता है और पीछे में दोस्तों 6204 वायरिंग लगता है। तो इस तरह से आप लोग भी एम्पेलर वगैरह इस कूलर के माध्यम से खोलें। आपने अभी देखे कि कितना सही तरीक़ा से ये निकल जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपने ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आप लोग किर्लोस्कर सिंगल फेज मोटर का वाइंडिंग डाटा देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमारा एक वीडियो डाला हुआ है जो कि इस वीडियो से पहले का है, जस्ट पहले मिल जाएगा, आप लोग वहां से विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।